हेलो दोस्तों, मैं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट अफेयर्स। इंडिया द्वारा SCO समिट की मेज़बानी की गई है, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी है उन्होंने अन्य सदस्यों के साथ मीटिंग की थी। अब इसी मीटिंग में ईरान को एक परमानेंट मेंबर घोषित कर दिया गया है। इससे पहले जो ईरान है वो ऑब्जर्वर स्टेट था, लेकिन अब उसको एज अ फुल मेंबर ऑफ SCO समिट को घोषित कर दिया गया है। अब इसकी हम बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है 2001 में हुई थी। स्टार्टिंग में इसमें 6 सदस्य थे, उसके बाद इंडिया 2005 में ज्वाइन हुआ एज अ ऑब्जर्वर मेंबर, लेकिन 2017 में इसको और पाकिस्तान को एज अ फुल मेंबर ऑफ SCO समिट में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद इंडिया ने 2022 में एज अ फर्स्ट चेयरमैनशिप ली थी। अब SCO समिट में टोटल 9 मेंबर हो चुके हैं जो फुल मेंबर ऑफ SCO हैं, जिसमें हम बात करते हैं चाइना हो गया, रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया और तुर्कमेनिस्तान हो गया और इंडिया, पाकिस्तान, साथ में अब ईरान। ये टोटल 9 देश हैं जो फुल मेंबर है। भाई हम बात करते हैं ऑब्जर्वर नेशन की, तो इसमें बेलारूस है, अजरबैजान है और आर्मेनिया है। ये हमारे ऑब्जर्वर स्टेट माने जाते हैं। अब इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी, तो इसका मेन रीज़न था कि जो अलगाववाद है और पिछड़ापन है उसको दूर किया जाए, ताकि एक ऐसे विचार या संगठन को बनाया जाए जो एशिया के हित में ही फैसले ले। इसलिए इसकी ज़रूरत थी बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूस के जो राष्ट्रपति है उन्होंने क्या कहा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले जो ईरान है उसको घोषित करा फुल मेंबर ऑफ SCO और उन्होंने बधाई दी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं और ईरान की जनता को। उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि जो आतंकवाद है उसका विरोध करने में जो SCO है और उसके जो मेंबर है उसको हिचकिचाना नहीं चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा जो निशाना है इनडायरेक्टली तरीके से चाइना पर लिया है, क्योंकि इससे पहले जो चाइना है उसने इंडिया द्वारा और USA द्वारा एक आतंकवादी था जो पाकिस्तान का था, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव लाया गया था कि जो साजिद मीर है उसको एज अ ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए, लेकिन जो चाइना उसने वीटो पावर का यूज़ करके उसको बचा लिया था। इसलिए इंडिया ने कहा है कि जो आतंकवाद है उसका हमें विरोध करना ही चाहिए। और इंडिया ने ये भी कहा कि कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को एज अ अपनी पॉलिसी बनाकर उसको यूज़ करते हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और चाइना का इनडायरेक्टली तरीके से नाम लिया है और संकेत दिया है। और भाई हम बात करते हैं रूस, तो रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि जो वेस्ट द्वारा जो सैंक्शन लगाए गए हैं रशिया के ऊपर उससे उनको और भी मजबूती मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जो जल्द ही जो क्षेत्रीय करेंसी है उसमें व्यापार शुरू करेंगे। अभी बता दें कि जो इंडिया और रशिया है वो रुपये में व्यापार करते हैं, साथ ही साथ जो युआन है जो कि चाइना करेंसी है उसमें व्यापार करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डॉलर है उसको व्यापार में कम यूज़ किया जाए और उसके बदले एक नया विकल्प उभर कर सामने आए। भई हम बात करते हैं जो कजाकिस्तान है, उसने एक ऊर्जा संगठन की मांग की है और उसने कहा कि जो भारत है, रशिया है और कजाकिस्तान है वो साथ मिलकर एक ऐसा संगठन बनाएंगे जिसमें जो ऊर्जा है उसको आसानी तरीके से जो देश है उसमें ट्रांसफ़र किया जा सके। अब इसको ईरान को भी शामिल करने की बात की जा रही है। भई हम बात करते हैं इंडिया का क्या पोजीशन रही, क्योंकि जो इंडिया है इसका सदस्य, साथ ही साथ अभी हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है USA की ट्रिप पे गए थे, जहाँ पे इंडिया और USA के बीच में जो काफ़ी अच्छे रिलेशन बनाए गए थे, वहाँ पे जो डील साइन की गई थी। तो इंडिया को देखना होगा कि जो SCO है, SCO के जो सदस्य साथ ही जो वेस्ट है उसके साथ कैसे तालमेल करके चलना है, क्योंकि इंडिया के लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं और इंडिया किसी को भी नाराज नहीं कर सकता है, इसलिए इंडिया को तालमेल करके चलना ही पड़ेगा। इस मंच का यूज़ करके जो देश है, एशियाई देश है, उनको अपनी समस्याओं को भुलाना चाहिए और एक नए तरीके से जो व्यापार है, ट्रेड है, उसको बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि जो डेवलपमेंट है चारों तरफ देखने को मिले। अगर ये जो 21 सेंचुरी है, एशिया की सेंचुरी है, तो सभी देशों को मेहनत करनी चाहिए और सभी देशों को एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो डेवलपमेंट है और जो लोगों की भलाई के लिए अच्छा कार्य किया जा सके, जो कि लोगों के हित में होगा, साथ ही साथ जो विश्व है उसके हित में भी साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है फैक्ट अफेयर चैनल पे मिल सके।